हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबका स्वागत है मेरे छठ पूजा के डे टू के व्लॉग में। तो आज है खरना और आपको दिखाएंगे कि हमारे घर में खरना कैसा किया जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर लाइटिंग से सजा दिया गया है। और ये है श्रुति, हाय बोलो। हेलो। और ये है मेरी दीदी की बेटी परी। ये देखो परी कितना सुंदर ड्रेस पहनी है, लाइट वाला जितने कर रहा है। हाय बोलो परी। हाय। हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी खरना। हैप्पी खरना। और चलिए आपको दिखाती हूँ खीर बन रहा है, मेरी माँ बना रही है। अभी मेरी दीदी बर्तन सब धो रही है। ये बर्तन में ही खीर बनाया जाता है। इस बर्तन को साल में बस एक ही बार निकाला जाता है छठ पूजा की खरना के दिन, और इसी में खीर बनाया जाता है और अच्छे से इन बर्तनों को फिर से रख दिया जाता है वापस। ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं को अच्छी तरह से चुन के साफ करके उसे धोया जा रहा है, और अच्छे से इसे धो के इसे फिर छत पे सूखने दिया जाएगा। उसके बाद से अच्छे अच्छे ठेकुए बनेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब गेहूं को अच्छे से एक छत पे कपड़ा बिछा के सुखाया जा रहा है, ये अच्छे से सूख जाएगा। अब चलिए चलते हैं खरना के खीर बनाने की ओर। तो ये देखिए मेरी मम्मी चावल को अच्छे तरह से चुन रही है और फटक भी रही है, इसे साफ कर रही है, जो भी थोड़े कचड़े हो इससे वो बाहर निकल जाए। और ये देखिए सारे बर्तन धुल के अच्छे से रख दिए गए हैं। इन बर्तनों में ही पूजा किया जाएगा। और ये आम की लकड़ी रखी गई है जिससे कि खीर बनेगा। और जो दूध है उसको सूप से अच्छे तरह से छाना जा रहा है खीर बनाने के लिए, खरना के लिए। अब लकड़ियों को अच्छे से जला दिया गया है और बर्तन भी इस पे चढ़ा दिया गया है। तो ये देखिए दूध अभी उबलेगा, फिर इसमें चावल डाल के खीर बनाएंगे। और ये मेरी काकी है जो खीर चला रही है, और यही खीर बनाती है, ये और मम्मी दोनों मिलके ही खीर बनाती हैं। ये देखिए खीर बन चुका है। अब खीर को छोटे छोटे से खरपोश में रख दिया गया है। जो खरपोश की खीर होते हैं वो बस घर के लड़के ही खाते हैं, और जो हांडी में है वो सब जन खाते हैं। और देखिए मम्मी सबको सिंदूर लगा रही है और सबको सिंदूर का टीका भी लगा रही है। तो देखिए सब मम्मी को प्रणाम कर रहा है। खीर बन गया है और मम्मी ने भी खीर खा लिया है। मम्मी का जो जूठा खीर होता है वो बस मम्मी से जितने जन छोटे हैं वही खा सकते हैं। तो चलो अब सबको खीर खिलाते हैं। ये देखो सबको मैं खीर परोस रही हूँ एक साथ लाइन में बिठा के। हमारे घर में इतने मतलब इतना बड़ा फैमिली है हमारा कि रूम में हम खा नहीं सकते, हमें आंगन में खाना पड़ता है एकदम पत्तल बिछा के। बहुत ही बड़ी फैमिली है हमारा। ये देखो पहले भैया सब बैठे हैं, उसके बाद लेडीज का दूसरा ग्रुप आएगा, और फिर आगे देखो हम सब भी बैठ के खा रहे हैं। आज पता नहीं मेरे भाई को मेरे ऊपर इतना तरस कैसे आ रहा था, वो पता है सूरज मतलब उल्टा उगता वैसा हो गया, वो अपने हाथों से मुझे खीर खिला रहा है। मतलब ये ऐसी बात हो गई ना, इतनी खुशी, इतनी ज्यादा खुशी ये। और ये दीदी लोग भी खा रही है देखो। बहुत सारे लोग भी आए हैं प्रसादी लेने, तो सबको दीदी एक एक करके प्रसादी वितरण कर रही है। ये देखो कितने सारे लोग हैं। आज की ये मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।